जशपुर जिले के पत्थल गांव बस स्टैंड में स्थित गोयल इलेक्ट्रॉनिक में बीती रात अज्ञात तत्वों द्वारा सेंध लगाते हुए 6.5 लाख रुपए उड़ाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। चोरों ने दुकान के पीछे के हिस्से में सुनसान स्कूल कैंपस से सेंधमारी की वारदात को अंजाम दिया है। रायगढ़ जिले के घर घोड़ा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर तमनार रोड झरिया पाली के पास नाकेबंदी कर एक बिना नंबर सफेद रंग के पिकअप वाहन को पकड़ा गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि वाहन पर पूर्णता पूर्वक मवेशियों को भरकर बूचड़खाने ले जाया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले के जांजगीर थाना क्षेत्र के लछनपुर गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 3 पटवारियों की ग्रामीण जमकर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक पटवारी की पत्नी भी मौके पर मौजूद है, जिसने मौके पर जाकर अपने पति की करतूत को सबके सामने उजागर किया। रायपुर की आमानाका पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर साईं हाईवे ढाबा के पास खड़े धर्म सिंह रंधावा की तलाशी लेकर उसके बैग में 8 ग्राम हेरोइन प्रतिबंधित मादक पदार्थ रखा होना पाया गया। बरामद हेरोइन की कीमत लगभग 40,000 रुपए बताई जा रही है। बिलासपुर की आरपीएफ व जीआरपी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान जोनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 से 2 तस्करों को 9 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 45,000 रुपए बताई जा रही है। रायगढ़ जिले में खरसिया शक्ति नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रेलर और महिंद्रा एक्सयूवी कार के बीच बुधवार को जबरदस्त भिड़ंत हो गई। कार में 8 लोग सवार थे। घटना में एक आदिवासी युवा नेता लाखनसी सिदार की मौके पर ही मौत हो गई। जगदलपुर के परपा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल युवक को डायल 112 की टीम ने अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला के साथ छेड़खानी और अश्लील इशारे करने वाले आरोपी सोमसराय को कोरिया जिले की पौड़ी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर जिले में रामचंद्रपुर ब्लॉक के ग्राम केरा सिला से सड़क निर्माण का कार्य कर वापस लौट रहे मजदूर सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। मजदूर सड़क निर्माण कार्य करने के बाद एक ट्रेलर में रोलर और पेवर मशीन को लोड करके अंबिकापुर की ओर जा रहे थे। ग्राम डूमर खी नाले के पास ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रेलर में सवार 5 लोग घायल हो गए। बीमा पॉलिसी के नाम पर देश भर में करोड़ों रुपए ठगने वाले गाजियाबादी गैंग को छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस 4 आरोपियों को गाजियाबाद से गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर ले आई है। अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने शहर से लगे कंठी इलाके में संचालित एक कबाड़ गोदाम को चोरी के सामान के सद्दे पर सील कर दिया है। गोदाम में लोहे से भरा एक ट्रक भी शामिल है। मामले में गोदाम के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि संचालक फरार बताया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के मोहगांव थाने में पदस्थ सीएएफ जवान धर्मपाल निषाद विभागीय कार्य से बस से डोंगरगढ़ जा रहा था। ग्राम नर्मदा से जैसे ही बस आगे बढ़ी, बस में उनका बैग गायब मिला। बस से उतरकर तलाश करने पर एक व्यक्ति के पास बैग मिला, जिसे पकड़कर जवान ने गंडई थाने के हवाले कर दिया है। राजनांदगांव में महिला द्वारा एक युवक को पुलिस में झूठा केस दर्ज कराने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की मांग करने का मामला प्रकाश में आया था।
पीड़ित शिव कुमार यदु निवासी चोखियाड़ी पारा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला अटल आवास पेंड्री निवासी सिमरन खान को गिरफ्तार कर लिया है। जगदलपुर की कोतवाली पुलिस ने बुधवार को जॉब दिलाने तथा बाइक की डीलरशिप देने के नाम पर 8 लाख से अधिक की ठगी के मामले में 4 अंतरराज्यीय साइबर ठगों गौरव कुमार, गुलशन कुमार, राहुल कुमार व दीपक पासवान को बिहार से गिरफ्तार किया है। दो महीने पहले हुए महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी बेनूर पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नीलवाड़ निवासी बहादुर यादव ने थाना बेनूर में ग्राम गोहड़ा की पहाड़ी के जंगल में एक महिला का शव मिलने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। खुद को आईपी अफसर बताकर पूरे प्रदेश में लगभग 50 लाख की ठगी करने के आरोपी को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 10 लाख की ठगी उसने कांकेर जिले में भी की है। कांकेर पुलिस भी उसे यहां के मामले को लेकर ट्रांजिट रिमांड पर कांकेर लाने वाली है। सड़क सुरक्षा की बैठक में हाईवा वाहनों को दिन में शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है, बावजूद इसके हाईवा शहर में प्रवेश कर रहा है। बुधवार को धमतरी जिले की यातायात पुलिस ने नहर नाका चौक के पास 15 हाईवा जब्त कर 5500 रुपए जुर्माना वसूला है। डॉक्टर के पिटाई मामले में मुख्य आरोपी आतिश सतपति को गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। इस पर विरोध जताने के लिए बुधवार को दुलदुला पूरी तरह से बंद रहा। वहीं भाजयुमो के कार्यकर्ताओं द्वारा दुलदुरा पतरा टोली मुख्य सड़क पर करीब 2 घंटे तक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। फेसबुक पर गलत टिप्पणी करते हुए पोस्ट कर एक विशेष धर्म के लोगों की भावना को आहत करने के आरोप में छावनी पुलिस ने सेक्टर 1 एवेन्यू सी निवासी भाजपा नेता अमर सोनकर को धारा 295(a) के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे रिहा कर दिया गया है। बिलासपुर में एक 26 साल की युवती से रेप के आरोप में 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती का आरोप है कि युवक ने उसकी सहेली से मोबाइल नंबर लेकर उसे लगातार बात करने की कोशिश की, फिर एक दिन उसे घर में अकेली पाकर रेप किया। वन मंडल कवर्धा के पंडरिया पूर्व परिक्षेत्र अंतर्गत रहमान कांपा परिसर में विगत दिनों सुबह उड़न दस्ता दल एवं पंडरिया पूर्व परिक्षेत्र के परिसर रक्षक की संयुक्त टीम के द्वारा रहमान कांपा के बंदौरा मार्ग पर अवैध रूप से साइकिल से जलाऊ लकड़ी ले जाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भारतीय खाद्य निगम के रायगढ़ जिले की खरसिया डिपो में एक ही नंबर की दो गाड़ियां चलाने के मामले में आरटीओ उड़न दस्ता टीम ने एफसीआई डिपो में जांच की और संबंधित दस्तावेज मांगे। साथ ही ट्रांसपोर्टर बजरंग लाल अग्रवाल को नोटिस जारी किया है। जांजगीर चांपा जिला जेल का विचाराधीन बंदी जिला अस्पताल जांजगीर से फरार हो गया है। विचाराधीन बंदी दुर्गा प्रसाद साहू की तबीयत खराब थी, इसलिए उसे जेल अस्पताल से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को अलग अलग जगहों पर यातायात पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें 4 वाहन चालक शराब पीकर वाहन चला रहे थे, जिसके खिलाफ 10-10 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया।